महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा को लेकर सीपीएम नेता वृंदा करात ने कहा है कि नारी सुरक्षा को लेकर सामाजिक माहौल देश में तभी बन पाएगा जब वर्मा कमीशन की रिपोर्ट को सरकार ईमानदारी से लागू कर देगी। उनसे खास बातचीत की है ब्यूरो चीफ ब्रजेश राय ने। देश में महिलाओं की सुरक्षा आज चर्चा का विषय है। हमारे साथ सीपीआईएम नेता वृंदा करात जी हैं। आपसे जानना चाहूंगा, ये बताइए मैडम कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से ये बात सत्यापित करने की कोशिश कर रही है कि महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है, सुरक्षित किया जा रहा है, आप कितनी सहमत हैं? देखिए, महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। महिलाओं की आर्थिक और शारीरिक सुरक्षा, दोनों चीज, और दोनों चीजों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं को पीछे ढकेलने की नीति अपना रही है। अगर आप सुरक्षा के ही बात लीजिए, आज संसद में एक बवाल खड़ा हो गया। उस समय बवाल नहीं खड़ा हुआ जब एक छोटी बच्ची कतवा में रेप के बाद बीजेपी के तमाम लीडर्स और रेप अक्यूज के साथ खड़े थे। उस समय स्मृति जी ने बवाल खड़ा नहीं किया, एक शब्द नहीं बोले। जब बीजेपी के एमएलए उन्नाव की एक बच्ची के साथ एक रेप अक्यूज के रूप में आज भी वो एमएलए बने हुए हैं, तो जिस रोष और जोश के साथ आज संसद में ये आवाज उठी, मैं समझती हूँ ये हिपोक्रिटिकल है, ये दोहरी नीति है। ऐसा ये मुद्दा है जो सबको अपनी पॉलिटिक्स को एक तरफ रख के महिलाओं के खिलाफ बढ़ते हुए अत्याचार के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, लेकिन काश ये होता, लेकिन ये नहीं हो रहा हमारे देश। लेकिन मैडम, एक सवाल यह भी है कि कांग्रेस एक तरफ काउंटर करती है सारे सवालों को, सारे स्टेप को लेकर, लेकिन ऐसे संवेदनशील मुद्दे पे कांग्रेस भी थोड़ी पिछड़ती हुई नजर आती है, क्या कहेंगे आप? देखिए, राहुल जी की मंशा ठीक होती क्योंकि उन्होंने ये कहा कि भाई अत्याचार बढ़ रहे हैं, वो सही है, लेकिन जो शब्द उन्होंने और जिस रूप में उन्होंने बात रखी, मैं समझती हूँ गैर संवेदनशीलता के साथ रखी। चलिए, आपसे एक अंतिम सवाल, क्या आज की तारीख में महिला सुरक्षा को लेकर और कोई कड़े कदम उठाने के कानून की भी आवश्यकता आप महसूस करती हैं? मैं हैरान हूं, जब पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ, राजनाथ सिंह जी ने कहा जो भी आप लोग सुझाव देंगे, जो भी कानून और देंगे, ये अपनी जिम्मेदारी जो आज जो हालत है उसको छिपाने के लिए बोले। देखिए, दिसंबर 2012 में उस निर्भया कांड के बाद एक कमिटी का गठन हुआ, वर्मा कमिटी, रिटायर्ड चीफ जस्टिस वर्मा जी के नेतृत्व, उन्होंने डिटेल दिए, एक के बाद एक सिफारिश उन्होंने दिया कि केवल अपराध के बाद की कानून नहीं है, अपराध रोकने के लिए आपको क्या कदम उठाना चाहिए। उन्होंने तमाम सुझाव दिए, निर्भया फंड तैयार हुआ। आज निर्भया फंड का 60% इस्तेमाल नहीं हुआ। निश्चित तौर पर वर्मा कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया जाए तो सोसाइटी को एक फायदा मिलेगा। वृंदा करात नारी सुरक्षा को लेकर बहुत ही संवेदनशील रही है हमेशा से, और जो इन्होंने सवाल उठाए हैं उस सवाल का जवाब तो देना एक खास पहलू होगा ही, लेकिन उस सवाल को संवेदनशीलता के साथ हमारी व्यवस्था को समझना भी होगा। कैमरा पर्सन सुरेंद्र प्रसाद के साथ ब्रजेश राय, R90V रांची।